नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से आ चुकी नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए 9500 से भी अधिक पदों पर भर्तियों के शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप सभी को आवेदन कब से लेकर कब तक करने होंगे इसके बारे में भी ऑफिशियल जानकारी आ चुकी है। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग भी केवल और केवल 10वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या फिर सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF को ज्वाइन करके एक अच्छी सी पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी करने का, तो आप लोग आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो आपके काम की लगती है तो आप लोग इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली RPF से रिलेटेड पल पल की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देना चाहता हूं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर रहें और आप लोग बिना किसी डाउट के अप्लाई करके एक अच्छी सी पोस्ट पर जॉब पा सकें। सबसे पहला नंबर तो ये कि अगर आप लोग केवल 10वीं पास है 33% के साथ तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सेकेंड नंबर, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे थर्ड नंबर, मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एंड अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो एप्लीकेशन फीस यहां पे काफी नॉर्मल सा होगा, जो कि आपको आगे ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाएगा। देन और भी कई सारी जानकारी है, जैसे कि एजुकेशन तो हो गया, लेकिन इसके बाद आता है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह, तो हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका सिलेबस वगैरह होता है एग्जाम का, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक आप लोग जरूर देखते रहिएगा, बिकॉज RPF का वेतन यानी कि सैलरी भी काफी स्ट्रांग है। अगर आप लोग एक बार RPF की पोस्ट पर सिलेक्शन पा जाते हैं तो आप सभी को काफी बेनिफिट्स होंगे और यहाँ पे आपको कांस्टेबल और SI जैसी पोस्टें भी मिलने वाली हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से आ चुकी नई भर्ती 2021 और 22 के लिए। 21 और 22 इसलिए यहाँ पे बोला गया क्योंकि आपको पता होगा कि एक या दो या तीन सालों में भी रेलवे की तरफ से आई हुई वैकेंसी कभी कंप्लीट नहीं होती। तो अगर आपको 21 में अप्लाई करना होगा तो उसका एग्ज़ाम हो सकता है कि 22 में हो और उसके बाद उसका रिजल्ट वगैरह पूरी तरीके से जो आपका सिलेक्शन है वो 23 और 24 तक देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे का जो कार्यक्रम है काफ़ी लेट होता है एग्ज़ाम का भी। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने अभी देखा होगा NTPC या ग्रुप डी का जो भी एग्ज़ाम्स फॉर्म है अभी तक कोई भी डेट नहीं आई। यहाँ पे आपको 9500 टोटल यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेंगी और यहाँ पे मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए बड़ा मौका आ चुका है आवेदन करने के लिए। अगर आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 30 साल की होगी तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आपको इनके रूल के हिसाब से कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको आवेदन तो ऑनलाइन ही करने हैं, बाकी ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं और अगर आप लोग केवल 10वीं पास है तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे जहां से आपको आवेदन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के साथ साथ पूरी डिटेल में जानकारी देखने का ऑफिशियल लिंक मिलने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर करें और सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे पल पल की अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, आपको आवेदन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग यहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख पाएंगे लिंक working.org की साइट पे आपको आ जाना है।
यहाँ से आने के बाद आपको नीचे आना है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे आरपीएफ रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए, अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करने होंगे, जहाँ पे आपको 9500 कांस्टेबल पोस्ट वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आगे आपको मैं सारी चीज़ें कंफर्म करता जाऊँगा। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको बेसिक लेवल से लेकर अपर लेवल की सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होने वाला है। नेम ऑफ दी पोस्ट की बात करें तो आपको कांस्टेबल की यहाँ पे वैकेंसी मिलेंगी, और अगर बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो आपको 9500 पोस्टें मिलेंगी। यहीं पे अगर हम बात करें स्टार्टिंग डेट्स के बारे में तो यहाँ पे अपडेटेड सून है, और आखिरी डेट भी यहाँ पे अपडेटेड सून है, क्योंकि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है इसके अंदर आपको अभी तक इम्पोर्टेंट डेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। एप्लीकेशन मोड यहाँ पे ऑनलाइन रहेगा और जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो अगर आप लोग केवल 10वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी एज यहाँ पे 1/1/2021 से कम 18 और अधिक से अधिक 25 साल की होनी चाहिए, प्लस आपको 5 ईयर का उम्र में छूट यानी कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आपकी एज 18 से लेकर 30 साल की होगी तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। देन इसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि सिलेक्शन के अंदर आपका यहाँ पे 3 से लेकर 4 स्टेप होंगे। सबसे मेन वाले सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपका PHT यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और PET यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। यहाँ पे जो आपका PHT और PET है दोनों फिजिकल लेवल के हैं, तो यहाँ पे एक के अंदर आपकी रनिंग वगैरह होती है और दूसरे के अंदर आपका जो है तो मेजरमेंट होता है, यानी कि आपकी हाइट वेट कितना है ये सब देखा जाता है। इसके बाद फाइनली आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे और मेडिकल टेस्ट के बाद आपकी ज्वाइन लेटर आ जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप लोग जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का सैलरी है वो स्टार्टिंग का 21,700 रुपये से लेकर यहाँ पे 69,100 रुपये का है, ये पर मंथ का है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो अप्लीकेशन शुल्क है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वो जनरल OBC का 500 और SC/ST का 250 यानी कि 250 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन पे विजिट करना होगा, जहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज के लिए एप्लीकेशन शुल्क क्या रहेगा इसके बारे में जानकारी वहीं पे मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे RPF का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और इसके बाद यहाँ पे कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। देन अगर बात करें इंपॉर्टेंट लिंक्स का, तो यहाँ पे आपको 3 तरह के लिंक दिए गए हैं, RPF ऑनलाइन अप्लाई का, नोटिफिकेशन का और ऑफिशियल वेबसाइट का। आपको यहाँ पे क्लिक हेयर की बटन दी गई है, आप लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई कर पाएंगे, और उनके नोटिफिकेशन भी यहीं से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। RPF के अंदर आपको कई सारी पोस्टें मिलेंगी, इसीलिए मैंने बोला कि जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बात करें पोस्ट नेम की, तो आपको कांस्टेबल की मेन पोस्टें मिलेंगी, SI यानी कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी मिलेंगी, और भी कई सारी यहाँ पे पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। देन इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग हमने ओपन कर रखी है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है RPF में 9500 सिपाही भर्ती करेगा रेलवे, इसी माह शुरू होगी प्रक्रिया। अधिक जानकारी के लिए linkworking.org पे आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आधे पद महिलाओं के लिए रहेंगे आरक्षित, यानी कि फीमेल जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% तो ऑलरेडी यहाँ पे रिजर्व कर दिया गया है महिला कैंडिडेट के लिए। पूरी अपडेट यह है कि रेल मंत्रालय ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF में 9500 सिपाही भर्ती करने का फैसला किया है, इनमें से आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस फैसले की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। रेल मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार यह भर्ती प्रक्रिया इसी माह शुरू हो जाएगी। रेलवे की योजना है कि ट्रेनों के महिला कोच में सिर्फ महिला कांस्टेबल तैनात रहेंगी। महिला सिपाहियों का दस्ता मुंबई की लोकल ट्रेनों में तैनात किया जा रहा, साथ ही रेलवे ने महिला हेल्पलाइन नंबर
1982 भी शुरू किया और इसे देखते हुए आरपीएफ में महिला सिपाही लगातार भर्ती की जा रही, यानी कि महिलाओं के लिए बड़ा मौका होगा। जो भी महिला 10वीं पास है और गवर्नमेंट जॉब चाहती है वो भी आरपीएफ रेलवे के अंदर, तो आप सभी के लिए काफी अच्छा मौका आ चुका है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वीडियो देख के सही जानकारी पा सके। तो जल्दी मिलते हैं अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।